वेलकम टू द चैनल हाउ टू क्रिएट। और पावर पॉइंट के दूसरे वीडियो में हम जहां पर हमने लास्ट कमांड सीखी थी, कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, उससे आगे की सेटिंग सीखेंगे और कुछ टूल्स जो है जो यूज़फुल हैं उनको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फिर से हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे और क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे कहीं आइकन नहीं है तो हम फिर से स्टार्ट में जाएंगे और पावर पॉइंट ओपन करेंगे। पावर पॉइंट ओपन करते टाइम पर हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें से कोई नई स्लाइड, अगर हमें पुरानी स्लाइड पर या पुराने प्रेजेंटेशन पर काम करना है तो इसमें से कोई नई थीम नहीं लेंगे, हम रिसेंट में जाएंगे और अपना जो भी लास्ट प्रेजेंटेशन होगा वो ओपन कर लेंगे। अदरवाइज़ आप फोल्डर ओपन करेंगे और जहाँ भी आपकी फ़ाइल है, जैसे कि मैंने डी ड्राइव में माय वर्ड फाइल्स में माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पर था, तो इसको डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं या एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा और वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पर हमने छोड़ा था। वेलकम बैक, ये थर्ड स्लाइड हमने बना ली थी। इसके बाद ये कुछ सेटिंग्स थी जो हम सीखेंगे। इसमें आता है इंसर्ट, क्योंकि कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर कोई रिपोर्ट बिना पिक्चर्स की अधूरी होती है और हमें हमेशा ही पिक्चर्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट, इनकी हेल्प लेनी होती है उनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम फोर स्लाइड यहाँ से क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम न्यू स्लाइड जो बटन है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही ओपन करें, इसके लिए हम एक बार न्यू स्लाइड पर ऊपर क्रिएट करेंगे या कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो अपने आप से नई स्लाइड ओपन हो जाएगी और वो वही स्लाइड होगी जो हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट की थी। लास्ट टाइम हमने टाइटल ओनली सेलेक्ट किया हुआ था, इस बार हम अगर कंपैरिजन वाली स्लाइड ओपन कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से वही कंपैरिजन वाली स्लाइड, लास्ट स्लाइड ही ओपन होगी। तो इसलिए हमें नॉर्मली जो भी स्लाइड आपको ओपन करनी है उस तरह से कर सकते हैं। तो हमने फिर से एक नई स्लाइड ओपन की है जिसमें कि कंटेंट विद कैप्शन ये होगा इस तरह से, इधर क्लिक टू योर टेक्स्ट, इधर टेक्स्ट, इधर कोई सब्जेक्ट। एक नई स्लाइड, नया फॉर्मेट हमने यूज़ किया इस बार। तो फिर से हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और वर्ड डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है, व्हाई डू वी यूज़ इट, ये किया, वो कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है हमने। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमने व्हाई डू वी यूज़ इट ये कर लिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, जिसका कलर और डिज़ाइन जो भी हमारा थीम चल रहा है उसके हिसाब से उसका साइज़, फॉन्ट कलर सब कुछ रहेगा। इसको हम चेंज कभी भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये चेंज किया, बोथ साइड जस्टिफाई कर दिया या फिर लेफ्ट अलाइन कर दिया। इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं जो कि थोड़ा विजिबल नहीं है। इसके बाद हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, बहुत सारे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे ये सेंटर में कुछ और चीज़ें भी दिखा रहा है, ये टेबल, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड वीडियो, कुछ भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंसर्ट पर जाएंगे, वही आइकन यहाँ पर भी हैं सारे, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, फोटो, एल्बम, स्क्रीनशॉट, पिक्चर, सब कुछ आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने प्रीसेट लिया हुआ है इसमें भी वो बीच में दिखा रहा है कि हमको क्या ऐड करना है। और आप वीडियो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट वीडियो, ऑनलाइन वीडियो, वीडियो फ्रॉम माय पीसी, इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इनिशियली टेबल इंसर्ट करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमको बताना है कितने कॉलम, कितने रोज बनाने हैं, वो हमारे टेबल के हिसाब से हमें पता होगा, हमने ये क्रिएट कर लिया है। जैसे ही टेबल हमने सेलेक्ट की, टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है और इसका साइज़ वगैरह सब कुछ, कॉलम बाद में भी हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें तीन कॉलम और ऐड करते हैं, इंसर्ट कॉलम्स रोज बिलो, जितना भी सिलेक्ट किया उतना ही हो जाएगा। अगर हम एक सिलेक्ट करेंगे तो एक इसमें आ जाएगा। इस तरह से एक टेबल बन गई है। अब इस टेबल का डिज़ाइन
बेसिकली तो वही आएगा जो हमारे डिजाइन थीम में ऑलरेडी सेट है। अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके बहुत सारे डिजाइन, जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो डिज़ाइन वगैरह ये सब चीज़ें भी चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अपने आप देने लगता है ये आप देखेंगे। इसमें कोई सा भी डिज़ाइन जो आपको पसंद है, इसमें प्रीसेट लाइट डार्क मीडियम डार्क इस तरह से बहुत सारे थीम्स बने हुए हैं, जो भी आपकी थीम के हिसाब से या जो भी आपको विजुअली अपीलिंग लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें कुछ इस तरह का मैंने टेबल ऐड किया है, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर वही टेबल को मैं जो हमने पुरानी बनाई हुई थी उसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें से टेबल इंसर्ट करूँ या फिर इस टेबल को डिलीट करके जो हमारे पास वर्ड में ऑलरेडी टेबल हमने क्रिएट की हुई है उसी टेबल को हमें यूज़ करना है। तो आप देखेंगे इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है और कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। वही टेबल हमारी इधर इसकी जो पावर पॉइंट की थीम थी उसके हिसाब से सेलेक्ट हो गई है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज ये हमने चेंज किया, इसका जस्टिफिकेशन सेंटर में कर दिया है सारी स्लाइड्स का, इसको हमें चेंज करके इधर करना है और इसको बोल्ड कर देते हैं। कलर इसका चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं इसका जितना भी हमें करना है। इसके बाद में ये एक टेबल हमारा बन गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में एक और स्लाइड ऐड करते हैं और यहाँ पर हम पिक्चर ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास पिक्चर्स होंगी या तो हम यहाँ से ही पिक्चर्स पे जा सकते हैं पिक्चर्स, अदरवाइज इंसर्ट में जाके पिक्चर्स कुछ भी हम यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड्स में कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास जिनको मैं यूज़ करता रहता हूँ। ये हम ये पिक्चर इंसर्ट की हमने, अभी इसका साइज़ पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से आएगा, उसको रीफॉर्मेट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना होगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर ही आप देख रहे हैं पॉइंट्स इसकी बाउंड्री पर आ जाते हैं और इसके हिसाब से हमें उसको लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए होल्ड रखना है और उसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम कोई भी बटन उसके साथ कोई भी की प्रेस ना करें तो वो प्रोपोर्शनेटली पिक्चर बड़ी या छोटी हो रही है, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर साइड पर इसको स्ट्रेच करना है तो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसके साथ में शिफ्ट प्रेस करते हैं अलाइन कर लिया, जितनी भी अपनी साइज की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे लगा ली है। इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जब भी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो क्रॉप क्रॉप का हमारे पास ऑप्शन रहता है और इसमें भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग, इस तरह से आप देखेंगे पिक्चर्स को किस तरह से हमें अपनी फाइल में यूज़ करना है उस तरह से आप लगा सकते हो। ये मैंने फॉर्मेट लगाया जिसमें कि एक रिफ्लेक्शन, जो भी इमेज है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, तो इस तरह से पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली है। इसके बाद में और भी चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हमने एक स्मार्ट आर्ट इधर वर्ड में, ये स्मार्ट आर्ट जो थी हमारी ये हमने यहाँ पे लगाई हुई थी वर्ड और पावर पॉइंट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से हैं तो इनमें कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि आपने अगर इधर कुछ वर्ड रिपोर्ट में कुछ क्रिएट किया हुआ है और इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसको इधर भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो अपने आप उसी फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा और इसको जहाँ भी आपको प्लेस करना है, जिस साइज़ का भी करना है उस साइज़ में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए फिर यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हो तो उस टेक्स्ट के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है जिसको आप यहाँ पर ट्रैक करके आप प्लेस कर सकते हैं। और जो भी इसके बारे में कुछ कंटेंट आपको लिखना है वो जहाँ भी है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब आवर चैनल चैनल
इस तरह से कुछ कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। वी वॉन्ट टू 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 क्रिएट एवरी थिंग पॉसिबल थ्रू कंप्यूटर वी विल कम बैक विल कम विथ न्यू videos regarding computer softwares upcoming videos will be as per smart art। ये हमने कर दिया और इसको हम यहाँ पर इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग कुछ भी गलती हो जाता है तो उसको आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर इस तरह से। हाउ टू क्रिएट, अब इसको भी हमें अगर फॉन्ट साइज़ वगैरह ये सब चेंज करनी, जस्टिफिकेशन करना है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसको अगर कहीं मूव करके यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम इस आर्ट को सपोज़ यहाँ से मूव करके इधर ले गए हम लोग और इसको साइज़ इसका चेंज किया है यहाँ पर। जस्टिफिकेशन राइट ही है हमारे पास और इसको यहाँ पर प्लेस किया, थोड़ा सा इसको ड्रैग करके बड़ा कर देंगे और यूट्यूब क्रिएटर्स वीडियोस फोटोशॉप इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल पर लेके आएंगे और बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इस तरह से एक स्लाइड मैंने इसमें कंटेंट क्रिएट कर दिया है। मैंने यहाँ पर कंटेंट टाइप किया है, इस बार कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पर हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, टाइटल के लिए हम चाहे तो फिर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी पुरानी रिपोर्ट से कहीं से, अदरवाइज हम टाइप भी कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल, इस तरह से एक स्लाइड हमने बना दी। इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो हम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। वीडियो के लिए हम वीडियो क्लिक करेंगे, ऑनलाइन वीडियो हम अगर कहीं से इंसर्ट करना चाहते हैं, अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ से एक कोई यूट्यूब का लिंक वगैरह वो सब सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पीसी में अगर कहीं वीडियो है तो वहाँ से भी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अभी मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग की हुई है, उन वीडियोस को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। इंसर्ट, ये वीडियो इंसर्ट हो गया है, एक नई स्लाइड में मैं इंसर्ट करूँगा, न्यू स्लाइड जिसमें कि कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर मैं वीडियो इंसर्ट करूँगा। तो ये इंसर्ट वीडियो इधर से ऑनलाइन होगा, अदरवाइज़ हम लोग इंसर्ट वीडियो फ्रॉम माई पीसी। ये मैं एक वीडियो यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है मैंने और उसका मैं वीडियो का साइज़ वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ये मैंने इंसर्ट वीडियो कर लिया है। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर दूँ कुछ, फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस
ये मैंने कर लिया, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। अब आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि एक तो नीचे की तरफ से हम पावर पॉइंट स्लाइड शो देख सकते हैं, दूसरा स्लाइड शो हम ऊपर ये जो बटन है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग F5 बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करके भी हम ट्यूटोरियल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये हमारा, देखिए आप एक किस तरह से ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली कॉन्फ्रेंस या मीटिंग यहाँ भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ दिखेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये आ गया है, हमने F5 प्रेस किया या फिर प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट किया स्लाइड शो। तो यहाँ से हम स्लाइड चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इधर माउस को भी क्लिक करेंगे तो स्लाइड चेंज होते हैं। अगर हम ऐसे प्रेजेंट करते टाइम पर कुछ भी किसी को समझाना है कुछ भी या लिखना है, तो हम यहाँ पर नीचे एक आप देखेंगे इधर एक पेन की तरह बना हुआ है, उसको हमने सेलेक्ट किया, और हाइलाइटर, पेन, लेज़र पॉइंटर तीनों चीज़ें हैं। अगर हमें किसी को हाईलाइट करना है तो कहीं भी समझा सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में इस पॉइंट पर एनी फूल कैन डू दैट, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉसेस। ये इस तरह से हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी को हम चाहें कि यहाँ पर पेन से कुछ लिखना चाहे दिस, या फिर इसको सेलेक्ट करना चाहें इस तरह से, तो वो भी कर सकते हैं हम। और इसके बाद में कोई पॉइंट है जिसको कि हम हाईलाइट भी करना चाहते हैं, हाइलाइटर, और इस लाइन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद स्लाइड्स चेंज करते रहते हैं, और अल्टीमेटली अगर हमें इसको एस्केप करना है, मीन स्लाइड को क्लोज करना है, तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे और ये पूछेगा डू यू वांट टू कीप योर इन एनोटेशन जो हमने अभी ये सब मार्क किया है। तो इसको हम कीप और डिस्कार्ड दोनों कर सकते हैं, जो भी अगर रखना है तो कीप करेंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड, तो हम अभी डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसमें जो ये वाला था वीडियो जो हमने लगाया था, आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर ये स्लाइड्स कितने सुंदर स्लाइड्स बनाए थे हमने, इसके बाद में ये वाला हाय फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ये सब मैंने एक स्लाइड क्रिएट की थी, और इसके बाद ये वीडियो वाली स्लाइड थी। वीडियो वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि अभी कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाता हूँ और मैं प्ले करूँगा तो ये फिर से वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम में है और इसको हम किसी भी लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी हमने इंसर्ट कर दिया है, इमेज भी इंसर्ट कर दी, टेबल इंसर्ट कर दी है, स्मार्ट आर्ट भी हमने इंसर्ट किया, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत बार होता है कि हमें ओनली इमेजेस को कंपोज करना है, तो भी हम पावर पॉइंट में कंपोज कर सकते हैं। कुछ प्रिंट भी निकालना है कुछ किसी चीज़ का, तो उसमें कंपोजिशन जो होते हैं हमारे फ़ोटोज़ के कंपोजिशंस, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पावर पॉइंट में कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कंपोजिशन, कोई भी प्रेजेंटेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको एस्केप कर देता हूँ, तो हमारा ये स्लाइड, 7 स्लाइड्स हमने बनाए हैं, और मैं फिर से बोलूँगा कि इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी फाइल को, किसी भी वर्क को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत, पूरे दिन की मेहनत हो सकती है या कुछ घंटों की मेहनत, वो वेस्ट जा सकती है, और हमारे पास कभी कभी बहुत टाइम कम होता है। तो इस वीडियो को फिर से हम यही क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी जो उसकी पावर पॉइंट की जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं या फिर जो टूल बार्स हैं उनको समझेंगे। और अभी तक हमने बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी होता है कि किस तरह से बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, वो हमने सीख ली है 2 वीडियो में। और इसके बाद जो थोड़ा और भी सेटिंग्स हैं वो मिड लेवल की हैं, तो इसको यहीं क्लोज़ करता हूँ।